Okay, this is the class of modules and field theory, and in this class today we are going to discuss about the basics of Galois theory. और Galois theory के start से पहले कुछ prerequisite के तौर पे कुछ definitions हैं, हम पहले उनको revise करते हैं और फिर उसके बाद Galois theory पे हम discussion करेंगे. तो सबसे पहली एक terminology है splitting fields. Let K be a field and F belong to the polynomial ring K of X, V of degree N. Let alpha 1, alpha 2 up to alpha N be the roots of F. यानी आपके पास एक K field है और एक polynomial है जो आपने लिए polynomial rings K of X है जो उसकी degree है N. और हम ये suppose करते हैं कि let alpha 1, alpha 2 be the roots of this polynomial F. इन सम एक्सटेंशन ऑफ के, ठीक है ना, इसकी कुछ एक्सटेंशन में जो ठीक है जिस तरह के ऑफ एक्स इन सम एक्सटेंशन ऑफ के, वी कॉल के ऑफ एल्फा वन अप टू एल्फा एन द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ओवर के, ठीक है ना जी. यानी क्या है कि एक पॉलिनोमियल आपने लिए पॉलिनोमियल रिंग के ऑफ एक्स है और उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं आपके पास वो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन तक पाए जाते हैं, ठीक है जी. और इस के की एक्सटेंशन ये रूट्स के साथ उसकी एक किस्म की गई है या ज्वाइन किए गए हैं रूट्स उस पॉलिनोमियल के ऑफ एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन. तो फिर ये जो फील्ड होगी आपके पास इसको हम स्प्लिटिंग फील्ड ओवर द फील्ड के कहेंगे, ठीक है जी. द स्प्लिटिंग फील्ड इज द स्मॉलेस्ट फील्ड ओवर विच एफ स्प्लिट्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना जी. तो स्प्लिटिंग फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉलिनोमियल होती है बेसिकली, कि जिसके ऊपर पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए या रिड्यूस हो जाए. एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल देखें, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी. सपोज ये क्यू ऑफ एक्स के ऊपर है, बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स, देन वी कैन फैक्टर दिस इन टू लाइक दिस, ठीक है जी. एंड द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर एफ ओवर क्यू एस, जो स्प्लिटिंग फील्ड आपके पास आ जाएगी, इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, जीरो वन टू. तो हम उस क्यू को उस रूट्स को इस क्यूब के साथ ज्वाइन कर लेंगे और अल्टीमेटली आपको पता है टू वन जीरो तो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द क्यू. सो द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर दिस पॉलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ एक्स विल बी क्यू, ठीक है जी. अगेन देखें एक दूसरी एग्जांपल, कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस वन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू है. द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर एफ ओवर क्यू इज क्यू स्क्वायर रूट टू माइनस, क्योंकि इसके रूट्स जो आएंगे वो आपके पास माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू आएंगे, जो कि इक्वल आ जाएगी क्यू स्क्वायर रूट टू के. तो इट मीन कि इस पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये अगर क्यू ऑफ एक्स से बिलोंग करती है तो इस पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्प्लिटिंग फील्ड हो रही है जनरेट हो रही है दैट इज क्यू स्क्वायर रूट टू. और अब आप इसको लीनियर फैक्टर्स में एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू और इस तरीके से वगैरह वगैरह उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू, ठीक है जी. तो ये स्प्लिट हो गई है आपके पास. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड इन विच वी कैन फैक्टर द गिवन पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ओवर द गिवन फील्ड, ठीक है जी. तो नेक्स्ट तरह देखें आपके स्प्लिटिंग फील्ड के बाद मिनिमल पॉलिनोमियल. मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है और कॉन्जुगेट्स के साथ उनका क्या ताल्लुक बनता है, ठीक है. तो इस मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लेट के बी ए फील्ड एंड अल्फा बी अलजेब्रिक ओवर के. लेट एम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर क्यू के. The k conjugates of alpha are the roots of m of x in any splitting field, ठीक है ना जी. तो वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक फील्ड अल्फा अलजेब्रिक ओवर k, एक मिनिमल पॉलिनोमियल्स के जो रूट होंगे, ठीक है ना जी, वो आपस में जो होंगे कॉन्जुगेट्स होंगे, ठीक है ना जी, इन एनी स्प्लिटिंग फील्ड, कोई भी स्प्लिटिंग फील्ड आपके पास आएगी. तो जरा एग्जाम्पल देखते हैं. द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर दिस ओवर क्यू इज दिस, आपको पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये है.
So the q conjugates of square root minus 2 are minus root 2 square root 2 plus square root minus 2. तो दो आपके पास इसके जो रूट्स आ रहे हैं पॉलिनोमियल के, मिनिमल पॉलिनोमियल के, तो वही आपस में रूट टू के, माइनस रूट टू के जो होंगे क्यू कंजुगेट्स जो होंगे वो माइनस रूट टू और माइनस प्लस रूट स्क्वायर रूट माइनस टू होंगे. अगेन फॉर के इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ माइनस टू, ये माइनस टू पावर वन बाय फोर, एंड लेट माइनस टू बिलोंग्स टू के. ठीक है जी. द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर दिस इज एक्स, दिस एक्स माइनस स्क्वायर रूट माइनस टू. तो द ओनली कंजुगेट, के कंजुगेट ऑफ माइनस टू विल बी माइनस टू, चूंकि इसका लीनियर फैक्टर है और एक ही इसका रूट है, तो वो ही इसका एक कंजुगेट माइनस रूट माइनस टू स्क्वायर रूट माइनस टू स्क्वायर रूट जो है उसका के कंजुगेट माइनस टू स्क्वायर रूट टू आएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं. अब हम इससे पहले गैल्वो फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑटोमॉर्फिज्म जो है आप फील्ड भी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये ऑटोमॉर्फिज्म में भी पढ़ी थी कि एफ अगर कंटेन करती है फील्ड ई के अंदर तो हम एसी को एफ फिक्स्ड ऑटोमॉर्फिज्म कह देते हैं या एफ ऑटोमॉर्फिज्म कह देते हैं. फ्रॉम ई टू ई एक ऑटोमॉर्फिज्म है सच दैट के एफ जो है उसमें फिक्स्ड है, तो उसको ही आगे लेके चलते हैं. इसमें ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एंड फिक्स्ड फील्ड, लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ द फील्ड एफ, द ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई डिनोटेड बाय दिस, ये पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड इज द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म विच लीव्स ऑल द एलिमेंट एफ फिक्स्ड. तो ये पहले भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके कि इफ ई इज द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, अगर ई जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ है, लेट अस सपोज के जिस तरह सी है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ आर है. ठीक है जी. देन द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप विल बी लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, या इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है. एग्जाम्पल जरा देखें यहां पर कि लेट आपने ग्रुप ले लिया वही जिसमें आर फिक्स्ड है उन ऑटोमॉर्फिज्म का सी बाय आर. इफ दिस बिलोंग्स टू सी एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड सिग्मा बिलोंग्स टू जी, इस जी से बिलोंग कर रहा है, यानी ये सारी की सारी वो ऑटोमॉर्फिज्म है जिसमें आर जो है वो फिक्स्ड है, देन सिग्मा ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा विल बी इक्वल टू, चूंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है ये होमोमॉर्फिज्म है, तो ये सारे की सारी कंडीशंस को ओबे करते हुए चूंकि ए जो है वो आर से बिलोंग करता है इसको ये फिक्स छोड़ देगा, ए आ गया आपके पास. इसी तरीके से सिग्मा ऑफ बी वो भी आ, बात आ गई सिग्मा ऑफ आयोटा वन, सिग्मा ऑफ आयोटा की, इसको तो इसने फिक्स नहीं छोड़ना. ठीक है जी. हाँ, ये हम जानते हैं कि सिग्मा ऑफ माइनस वन विल बी माइनस वन, क्योंकि माइनस वन अगेन वन बिलोंग्स टू आर, तो वी मे राइट दिस सिग्मा स्क्वायर रूट माइनस वन की जगह में मैं सिग्मा ऑफ आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ. और ये चूंकि होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म बल्कि ऑटोमॉर्फिज्म है ये आपके पास, तो वी कैन राइट इट दिस लाइक दिस. तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा ऑफ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये जो माइनस वन है इसका मतलब ये हुआ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, दिस गॉट यू गॉट दिस वन, एंड सिग्मा ऑफ आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आपके पास आ गया. ठीक है जी. तो अब सिग्मा ऑफ आयोटा की जगह पे अगर प्लस माइनस आयोटा आप डाल देंगे तो आपको नजर आ रहा है कि देयर आर टू आर ऑटोमॉर्फिज्म आपके पास आ जाएंगी. तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू होगा, और हमें ये पता भी है आपको कि ये एक्सटेंशन ऑफ आर जो है सी ओवर आर जो है डिग्री ऑफ सी ओवर आर इज टू है, तो ये कन्फर्म हो गया ये रिमार्क इसके हवाले से. नेक्स्ट एग्जाम्पल में जरा देखें आप. लेट जी इक्वल टू जी ऑफ क्यू ऑफ टू पावर वन बाय थ्री ओवर क्यू, एयर एक्स क्यूब माइनस टू इज एन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू पावर वन बाय थ्री. सो वट विल बी द डिग्री ऑफ क्यू टू पावर वन बाय थ्री ओवर क्यू, इट इज थ्री, क्लियर. ऑल्सो द बेसिस, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, इसके बेसिस जो हैं आपके पास ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जाहिर बात है कि उसका हर एलिमेंट इनके लीनियर कम्बिनेशन के बेसिस हैं तो लिखा जाएगा. अब सिग्मा जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है आपके पास, कहाँ से कहाँ तक, क्यू स्क्वायर रूट क्यू टू पावर वन बाय थ्री
टू क्यू टू पावर 1/3, ठीक है जी, क्यू रूट ऑफ टू, विच लीव्स द क्यू फिक्स, दैट इज सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए क्यू. देन वी हैव, अब इसके ऊपर जरा वो ऑटोमॉर्फिज्म अप्लाई करें यहाँ पे आके आप, ठीक है जी, सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू, यू हैव टू अप्लाई दिस वन, ठीक है जी, ये आके आपके पास, आपको पता है कि ये ए बी सी जो है ये क्यू से बिलोंग करता है, तो विच विल बी फिक्स्ड बाय दिस ऑटोमॉर्फिज्म, तो ए बी सी तो एज इट इज आ जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगी चीज आपके पास ये. वी नो दैट 2^1/3 क्यूब इक्वल टू 2, ये तो हमें पता है. वी हैव टू अप्लाई द सिग्मा ऑन बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इसके ऊपर सिग्मा, आपने फिर ये राइट साइड पे 2 आया तो सिग्मा ऑफ 2 तो फिर भी 2 होगा आपके पास. दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा ऑफ 2^1/3 क्यूब इक्वल टू 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा ऑफ 2^1/3 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 जो है आपके पास. इमेज जो है आपके पास उस ऑटोमॉर्फिज्म के तहत वो है वो सेम आ गई है. नाउ सिग्मा ऑफ 2^1/3 इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 2, देन वी मे राइट सिग्मा ऑफ रूट 2 इक्वल टू 2^1/3, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी साथ उसके आप लगा रहे हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक. द ओनली रियल रूट इज 2^1/3, जिसमें कि सिंपल रियल रूट जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, क्योंकि ये जो फील्ड है बेसिकली एक्सटेंशन जो है ये रियल नंबर पे ही कंसिस्ट करती है, कॉम्प्लेक्स पे तो करती नहीं है, तो इट मीन दिस यू गॉट सिग्मा ऑफ दिस इक्वल एंड सिग्मा इज द आइडेंटिटी. आप अगर देखें तो सिग्मा का बिहेवियर आइडेंटिटी हो चुका है, और अब अगर सिग्मा का बिहेवियर आइडेंटिटी है तो इट मीन कि इसका जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप आएगा, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म 2^Q^2^1/3 ओवर क्यू विल बी द ट्रिवियल ग्रुप आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एक उसके पास आ जाएगा आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी. नेक्स्ट देखें जरा, आपके पास एक लेमा है यहां पे कि लेट द एक्सटेंशन ऑफ के दैट इज एल या एल ओवर के बी द फील्ड एक्सटेंशन एंड लेट एल्फा बिलोंग्स टू एल बी द अलजेब्रिक एंड एफ बिलोंग्स टू द पॉलीनोमियल रिंग के ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू जीरो. यानी आपके पास फील्ड एक्सटेंशन है एल जो कि के की है और एक एलिमेंट आपने अल्फा लिया एल से जो कि अलजेब्रिक के ओवर के और सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी पॉलीनोमियल आप लेंगे के ऑफ एक्स से, ये के ऑफ एक्स ये इंपॉर्टेंट है लेंगे तो वो जो अल्फा होगा उसका रूट होगा. लेट सिग्मा बी द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एल ओवर के, देन एफ ऑफ सिग्मा ऑफ एल्फा विल बी जीरो. इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इन पर्टिकुलर सिग्मा ऑफ अल्फा इज अ के कंजुगेट ऑफ अल्फा, सिग्मा ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास के कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है जी. तो प्रूफ जरा देखते हैं यहां पे कि लेट एफ एक पॉलीनोमियल ली आपने जो कि कहां से के ऑफ एक्स है विद ए आई बिलोंग्स टू के, देन दूसरी चीज हम सपोज कर लेते हैं कि लेट देन सिग्मा ऑफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू सिग्मा ऑफ जीरो. जारी बात है कि एफ ऑफ अल्फा जो है वो जीरो है तो सिग्मा ऑफ जीरो, और चूंकि सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म में यू विल गेट द जीरो अगेन. हाउएवर जीरो इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा आपके पास, वही सारी की सारी पॉलीनोमियल आपने यहां रख देनी है और इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करना है और ए आई सारे के सारे चूंकि के से बिलोंग कर रहे हैं तो विच विल बी लेफ्ट फिक्स्ड, तो ये सारे के सारे फिक्स रह जाएंगे, बाकी ले दे के आपके पास ए नोड प्लस ए वन सिग्मा ऑफ अल्फा एंड सो ऑन एज अल्फा इज अ के ऑटोमॉर्फिज्म, सॉरी एज सिग्मा इज अ के ऑटोमॉर्फिज्म. सिग्मा जो है आपके पास वो के ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना जी, और ये आपको नजर आ रहा है. यू कैन राइट दिस वन लाइक दिस एफ ऑफ सिग्मा ऑफ अल्फा, तो ये वही चीज आ गई आपके पास, यू गॉट द जीरो हेयर, ठीक है ना जी. तो नाउ सपोज लेट एफ इक्वल टू एम बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स विद द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ अल्फा, और ये पॉलीनोमियल कहां से के ऑफ एक्स है, और फिर जाहिर बात है कि ये अगर पॉलीनोमियल आपके पास मिनिमल पॉलीनोमियल है जिसका अल्फा रूट है तो ठीक है ना जी, द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ अल्फा, ठीक है जी, देन सिग्मा ऑफ एल इज अ रूट ऑफ एम एंड देयरफॉर वन ऑफ द के कंजुगेट्स ऑफ के अल्फा. तो क्या हो रहा है जी,
सिग्मा ऑफ अल्फा जो है उस मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट निकला, तो फिर आपने देखा कि सिग्मा ऑफ अल्फा जो है वो रूट हो गया एम का, और देयरफॉर सिग्मा ऑफ अल्फा इज द के कंजुगेट ऑफ अल्फा आ गया। यानी ये एक किस्म का ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म का कनेक्शन मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ और के कंजुगेट, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हो चुके हैं आपके पास यहाँ पे आके। ठीक है जी, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखें सर, एक दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एग्जांपल वी नो दैट, हमें पता है ये ऑटोमॉर्फिज्म हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है जी, सी ओवर आर जो है ये दो ही, वन और टा है, एक आपके पास आइडेंटिटी है, दूसरा कंजुगेट ऑटो कंजुगेशन ऑटोमॉर्फिज्म है। तो टा स्क्वायर ऑफ अल्फा विच कैन बी रिटन एज अल्फा, इट मीन कि टा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आ गया। तो इसके जो ग्रुप कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा ऑटोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी ऑफ ओवर आर इज आइसोमॉर्फिक टू द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके जो था प्रीवियस आप देख चुके हैं कि ट्रिवियल ग्रुप जनरेट करता है। ठीक है जी, ये प्रीवियस भी एग्जाम्पल में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी, जरा यहाँ पे थ्योरम है कि लेट एल ऑफ एल ओवर के बी एन एक्सटेंशन, लेट ऑटोमॉर्फिज्म बी द सेट ऑफ के ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एल, यानी कि सारी की सारी वो ऑटोमॉर्फिज्म है आपके पास साई ऑफ एल टू एल हैं, जिसमें कि के जो है आपके पास वो क्या बच रहा है, वो फिक्स्ड बच रहा है, के इज फिक्स्ड है, के जो है वो फिक्स्ड है। देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एल ओवर के इज अ ग्रुप, ये पहले भी हम कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन मैप्स। मोर ओवर इफ एल ऑफ के इज फाइनाइट एक्सटेंशन, देन ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो फाइनाइट, वी कॉल ऑटोमॉर्फिज्म बी द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ एल बाय के। यानी कि यहाँ पे ये इस तरह का जो है ले दे के यही चीज है कि अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है के की एल, ठीक है जी, तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो होगा आपके पास एल ओवर के वो भी आपके पास फाइनाइट होगा, पहली चीज के वो ग्रुप होगा। और ये चीज हम प्रीवियस भी प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो प्रूफ में जरा देखें कि लेट एल ओवर के बी एन एक्सटेंशन, द प्रूफ दैट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एल ओवर के इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन इज एन इजी एक्सरसाइज, वी कैन से हियर दैट वी हैव डन ऑलरेडी दिस वन। हमने ये प्रूफ करना है कि इसकी एक्सटेंशन एल ओवर के फाइनाइट है, तो फिर जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बन रहा है एल ओवर के वो भी फाइनाइट है। वी वॉन्ट टू शो दैट दिस इज फाइनाइट, वी वॉन्ट टू शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ओवर, ठीक है, एल ओवर के इज फाइनाइट। लेट सिग्मा बिलोंग टू, आपने एक ऑटोमॉर्फिज्म उससे ली है, एंड लेट अल्फा बिलोंग्स टू एल, एंड अगेन लेट द डिग्री ऑफ एल ओवर के इज एन, अगर डिग्री ऑफ के ओवर एन है देन एल हैज के बेसिस, उसके के बेसिस हैं अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन। सपोज एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एल कैन बी यूनिकली रिटर्न एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अप टू अल्फा एन विद ईच ए आई बिलोंग्स टू के, देन सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म इसके ऊपर आप अप्लाई करें। ठीक है जी, आपको पता है कि ये ए वन अप टू ए एन है, ये सारे किसके एलिमेंट हैं जी, के एलिमेंट हैं। एज सिग्मा इज अ के ऑटोमॉर्फिज्म, के ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब वही है कि के फिक्स्ड रह रही है इस ऑटोमॉर्फिज्म एल टू एल से। इट फॉलोज दैट सिग्मा इज डिटरमिंड बाय द वैल्यूज ऑफ दिस 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 दिस, ठीक है जी, इट फॉलोज दैट सिग्मा इज डिटरमिंड बाय द वैल्यूज ऑफ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जो है आपके पास अगर प्रीवियस चल के आप देखें तो सिग्मा ऑफ एज एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन आया आपके पास। ठीक है, या मैं अगर इसको सिग्मा को सिंपल ना सिग्मा ऑफ अल्फा कह दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सिग्मा ऑफ अल्फा। ठीक है जी, एज एल ओवर के इज फाइनाइट, हमें यह पता है कि एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, तो ये इट इज अलजेब्रिक है, और बाय लेमा वन, जो लेमा वन था फिर वही बात कि सिग्मा ऑफ अल्फा आई विल बी द कंजुगेट ऑफ अल्फा आई। लेमा वन को फिर से जाके हम एक मरतबा देख लेते हैं कि उसमें ये देखा आपने कि सिग्मा ऑफ अल्फा इज अ के कंजुगेट ऑफ अल्फा था, तो यही फैक्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, ईच अल्फा आई हैज फाइनाइटली मेनी के कंजुगेट्स एज देयर आर रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए आई, वेरी क्लियर। सो द पॉसिबिलिटीज फॉर ईच
ईच सिग्मा ऑफ एल्फा आई इज फाइनाइट, जहरी बात है कि एल्फा आई फाइनाइट, सिग्मा और करस्पॉन्डिंग टू ईच एल्फा राइट साइड पे जो आ रही है एक्सटेंशन में वो भी सिग्मा ऑफ एल्फा आई ऑटोमॉर्फिज्म वो भी फाइनाइट, दस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर सिग्मा इज फाइनाइट। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज जो हैं सिग्मा के लिए वो फाइनाइट हो जाए।